नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। अलीगढ़ में एक मौसेरे भाई के दरिंदगी की शिकार हुई मासूम की मौत हो गई। लापरवाही के आरोप में इगलास के SHO को निलंबित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय मौसेरे भाई की हवस का शिकार बनी 4 साल की मासूम बच्ची, जिसने इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। रविवार को ही उसे JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया। देर रात तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। इस घटना के बाद से सादाबाद का माहौल गर्मा गया है। मौत के बाद परिजन बच्ची का शव लेकर गाँव आ गए और पूरा रोड पर जाम लगा दिया। काफी देर तक शव को रखकर परिजनों और गांव वालों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और जैसे तैसे समझा बुझा कर जाम खुलवाया। इस घटना में लापरवाही के आरोप में SSP अलीगढ़ ने SHO इगलास प्रवीण कुमार मान को निलंबित कर दिया है। परिवार ने सादाबाद में जाम लगाकर SHO पर शुरुआती शिकायत पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद घटना को गंभीरता से न लेने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस प्रकरण में DM अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह और SSP अलीगढ़ मुनिराज ने कहा है कि एक बच्ची के साथ मौसेरे भाई के द्वारा दुष्कर्म की घटना संज्ञान में आई है। इसके संबंध में इगलास थाने में संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वही लापरवाही के चलते SO इगलास को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई। हाथरस जनपद के थाना सादाबाद के मई चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की पत्नी का जनवरी माह में निधन हो गया था। 3 माह पहले इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी उसकी साली बच्चों को अपने साथ ले गई थी। अपने बेटी की शादी के 15 दिन बाद मौसी दोनों बेटों को गांव छोड़कर आई, जबकि बहन की दोनों बेटियों को अपने पास ही रख लिया था। 17 सितंबर को 4 साल की मासूम मौसी के घर पर शौचालय में गंभीर हालत में पड़ी मिली। खेल रहे बच्चों ने उसकी हालत देखकर शोर मचाया तो ग्रामीण पहुंच गए और पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाइन को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को शौचालय से निकाला और चाइल्ड लाइन की देखरेख में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। मामला तो इगलास थाने के क्षेत्र का है। जो लड़की है उसका मात्र का जो वहाँ पर अभी लड़की के पिता ने बताया है कि वहाँ पर जो है थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्या नहीं हुआ। अब स्थानीय पुलिस ने सब शासन प्रशासन ये इंटरेस्टेड है कि इनका जो है आर्थिक सहयोग किया जाए, इनके खिलाफ जाति में उसका एक्शन लिया जाए। थोड़ा जनता बात हुआ तो दूसरे राजा जी, इनकी मांग ये भी है कि SO इगलास द्वारा लड़की के पिता के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, तो क्या आप खारिज आवाज़ों के सदस्य भी है, तो क्या मांग? ऐसा नहीं, शासन भी जांच पड़ताल एक्शन ले रहा है माननीय योगी जी। नहीं, 14 तारीख की घटना है, 17 तारीख को आपके लड़के के पिता को मालूम पड़ पाता है, 21 तारीख को FIR हो रही है, तो क्या है ये शासन आपका, क्या कर रहा है सरकार आपकी? शासन को जो है कहाँ कौन लोग दोषी है ऐसे? ऐसा मैं स्थानीय लोगों को ये हालात का पता होगा, हम लोग तो यहाँ नहीं। घटना जो मूल घटना है, आचार्य जी मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, घटना जो मूल घटना है वो 14 सितंबर की है। 17 सितंबर को लड़की के परिवार वालों को पता पड़ता है, उसके बाद 21 सितंबर को FIR दर्ज होती है। तो आखिर क्या कर रही है आपकी सरकार? सरकार एक्शन ले रही है, क्या कर रही है? क्या एक्शन ले रही है? 14 तारीख की जब घटना हुई, 14 तारीख बाद FIR नहीं हुई, 17 तारीख बाद जब एडिशन SP आए, तुरंत लिखा गया है दिल्ली के ड्राइवर किया है, दिल्ली लेके गए हैं, काम क्यों नहीं कर रहे, कर तो रही है सरकार, क्यों नहीं कर रही? 14 तारीख की घटना, 17 तारीख को FIR लिखी है। एक बात बताओ, घटना हुई मान लीजिए और उसके घटना के तथ्यों के आधार पर ही तो कोई काम होता नहीं। 21 तारीख को मामला, 7 दिन बाद मामला दर्ज हो रहा है, ऐसा ही चंदवा थाना क्षेत्र के बुलगड़ी में हुआ था। संज्ञान में नहीं है, मैं आपको बताऊं, जब तक मेरे संज्ञान में कोई नहीं बाबा उचित नहीं होगा। नहीं, लड़की जो इस गांव की रहने वाली थी उसकी मां खत्म हो गई और दोनों बच्चियां अपनी मौसी के यहाँ जनपद अलीगढ़ के इगलास थाने में रह रही थी। ऐसा संज्ञान में आया कि उस मौसी की लड़की ने ही बच्ची के साथ दुराचार किया, दौरान ट्रीटमेंट बच्ची की मृत्यु हो गई है। क्योंकि बच्ची का गांव यही है, इसलिए यहां पर लेके आए हैं और हमारी लगातार मैं DM साहब के संपर्क में हूँ। एडिशनल SP अलीगढ़ महोदय यहाँ रात पर रहे हैं,
और वहाँ जाकर के उन्होंने जैसा आश्वासन इन्होंने कहा था कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो आ गए। उन्होंने अभी फोन से मुझे बता दिया है कि वो निलंबित हो गए हैं। इगलास घटना में संज्ञान में आया है कि लड़की के सगे मौसेरे भाई द्वारा रेप किया गया था, और जिसमें संबंधित थाने में जो धाराएं हैं, जो मतलब में अभियोग पंजीकृत किया गया है, मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, और पीड़ित परिवार के लिए पासपोर्ट के अंतर्गत जो धनराशि 10 लाख की है वो उसे शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है, और घटना में लापरवाही बरतने में ऐसे चोर। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।